हेलो दोस्तों, अपने स्टडी बुक पॉइंट मार्गेट से आपने कल मेडिसिन के बारे में अपने चर्चा की थी, जिसके अंदर आपको बता दिया था अभी दो प्रकार की होती है, क्लिनिक और प्रिवेंटिव। उसके बाद आपने डिजीज़ किया था, डिजीज़ के कुछ प्रकार भी किए थे। उसके बाद कुछ पॉइंट रह गए थे, वो आज अपने कराने जा रहे हैं। जैसे संक्रमण के स्रोत के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं संक्रमण के। दो पहला होता है बही जरात रोग, और दूसरा होता है अंत जरात रोग। बही जरात रोग के अंदर क्या आता है कि जैसे हवा हो गई, बही बाह्य स्रोत जो होते हैं ना बही, उसके अंदर बही के अंदर क्या होता है, जो बाह्य स्रोत जैसे हवा हो गया, जल हो गया, हवा जल खाद्य पदार्थ हो गए इत्यादि, इन्हीं से जैसे कोई रोग होता है ना, वो वही जरात के अंदर आता है। वही जरात के अंदर के एग्जाम्पल अपने लिए तो एक FM आ सकता है, या अपने जैसे करें तो ओक सीओ सी आ सकता है, कोक्सियोसिस आ सकता है, कोक्सियोडियोसिस आ सकता है, ठीक है, कोक्सियोडियोसिस में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद अपने करते हैं अंतर्जरात। अंतर्जरात रोग कौन से होते हैं, जैसे हो गया किसी पशु है उसकी प्रतिरोधक क्षमता है, किसी पशु है उसकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। क्षेत्र के आधार पर पांच प्रकार से रोगों को बांटा गया है। अपने पहले बात करते हैं, एक नंबर पर क्या है स्पोर्डिक, एक नंबर पर क्या आता है स्पोर्डिक, दो नंबर पर अपने बात करते हैं, पहले एक नंबर पर आता है स्पोर्डिक, दो नंबर पर अपने बात करते हैं तो आता है इनजूटिक, तीन नंबर पर अपने बात करते हैं तो एपिजूटिक आता है, तीन नंबर पर अपने बात करते हैं तो एपिजूटिक आता है, चार नंबर पर अपने बात करते हैं तो पेनजूटिक आता है, और पांच नंबर पर अपने बात करते हैं तो एंडेमिक आता है, एंडेमिक आता है। ओके, अपने स्पोर्डिक की बात करते हैं तो स्पोर्डिक रोग कौन से होते हैं, स्पोर्डिक रोग वो होते हैं अभी पशु के एक ही पशु, मतलब इसके अंदर क्या होता है, एक बार में एक ही पशु या उसको मतलब जो रोग होते हैं, मतलब एक पशु से दूसरे पशु में नहीं फैलते, और एक बार में एक ही पशु या एक मतलब जाती है या थोड़ा जो छोटा कवर है, जो छोटे कवर उसके क्या आता है स्पोर्डिक आता है। इसका अपने एग्जाम्पल मानते हैं, एग्जाम्पल माने तो लिम्फेजाइनाइटिस मान सकते हैं। उसके बाद आता है एंजूटिक रोग कौन से होते हैं, एंजूटिक रोग वो होते हैं एक जिले के अंदर प्रकोप आ जाता है, एक मतलब जिला है उसके अंदर एक विशेष प्रकार की जाति है उसके अंदर प्रकोप आ जाता है, या कुछ जातियों के अंदर रोग आ जाता है, उसे वो किसके अंदर आता है एंजूटिक के अंदर आता है। एंजूटिक के अपनी बात करते हैं तो एंजूटिक का एग्जांपल अपनी मान सकते हैं वायरल गर्भपात हो गया, या फिर अपनी मान सकते हैं एंथ्राइटिस होता है वो भी इसी के अंदर आता है, एंजूटिक के अंदर आता है। उसके बाद अपने बात करते हैं एपिजूटिक क्या होता है कि एक बड़े क्षेत्र के अंदर बड़ी संख्या में रोग होता है वो क्या होता है एपिजूटिक के अंदर आता है। और एपिजूटिक का अपने एग्जांपल मान ली, एपिजूटिक का अपने एग्जांपल लेते हैं तो FMD हो गया, FMD भी होता है, और रिंडरपेस्ट भी मान सकते हैं अपने, FMD और रिंडरपेस्ट भी मान सकते हैं, वो किसके अंदर आता है एपिजूटिक के अंदर आता है। उसके बाद अपने बात करते हैं पेनजूटिक क्या होता है, पेनजूटिक वो होता है कि अपने देश है उस देश के अंदर भी वो रोग है वो फैल गया, प्लस क्या होता है कि बाहर देश से भी अपने देश के अंदर जो रोग आता है वो क्या होता है पेनजूटिक में आता है। पेनजूटिक का अपने एग्जांपल मानते हैं तो बर्ड फ्लू मानते हैं,
बर्ड फ्लू मानते हैं, या अपने कल चल रहा है जो कोरोना चल रहा है वो भी क्या है, पेंजुटिक है, मतलब बाहर देश से आया है वो आपको पता है, बाहर देश से है वो क्या है, पेंजुटिक है। उसके बाद अपनी बात करते हैं एंडेमिक। एंडेमिक क्या है, एक छोटे से क्षेत्र के अंदर बड़ी संख्या में, एक छोटा क्षेत्र है उसके अंदर बड़ी संख्या के अंदर रोग फैल जाता है ना, वो क्या होता है एंडेमिक के अंदर आता है। एंडेमिक का अपने एग्जाम्पल मानते हैं तो वीक्यू क्या होता है, एक बड़े छोटे क्षेत्र के अंदर बड़ी संख्या में फैलता है। वीक्यू अगर कोई रोग वीक्यू जब आता है ना तो एक छोटे से क्षेत्र के अंदर बड़ी संख्या में फैल जाता है, लगभग पशुओं को कवर कर लेता है वीक्यू उसके अंदर। उसके बाद अपने बात करते हैं उत्पत्ति। उत्पत्ति स्थल के आधार पर अपने बात करते हैं उत्पत्ति स्थल के आधार पर अपनी बात करते हैं तो उत्पत्ति स्थल के अंदर क्या होता है, तीन प्रकार क्या होता है, एक होता है देशी, एक होता है विदेशी, और एक क्या होता है उभरते हुए रोग। तीन प्रकार के होते हैं, देशी, विदेशी, तीसरा अपनी मानते हैं उभरता हुआ रोग। देशी रोग के अंदर क्या अपने बात करते हैं, देशी के अंदर क्या होता है, अपने देश के अंदर जो रोग फैलता है ना, अपने देश के अंदर जो रोग फैलता है, या अपने देश के अंदर ही बना, जो देश के अंदर ही मतलब उत्पत्ति हुई है उस रोग की, तो वो रोग किसके अंदर आता है, अपने देशी रोग के अंदर आता है। अपने देशी रोग का एग्जाम्पल माने तो टीबी हो गया, देशी रोग का एग्जाम्पल है। उसके बाद अपने बात करते हैं विदेशी रोग के अंदर क्या होता है, भी जो रोग अपने बाहर से अपने देश में आए हैं वो क्या होता है, विदेशी रोग कहलाते हैं। विदेशी रोग का एग्जाम्पल मानिए तो AHS मान सकते हैं, AHS मान सकते हैं, अफ्रीकन हॉर्स स्कीनेस रोग है वो एग्जाम्पल अपने मान सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने उभरता हुआ रोग क्या होता है, उभरता हुआ रोग मतलब जो रोग है ना उसकी मतलब आने वाले भविष्य के अंदर जो रोग होता है, आने वाला भविष्य है उसके अंदर जो रोग फैलता है वो क्या होता है, उभरता हुआ रोग क्या कहता है, जो भविष्य में आने वाले रोग है ना उसको क्या कहते हैं, उभरता हुआ रोग कहते हैं। उभरता हुआ रोग का अपने एग्जाम्पल मानते हैं, उभरता हुआ रोग का मतलब एग्जाम्पल अपने मानते हैं तो अपने वीक्यू मान सकते हैं या PPR मान सकते हैं, वीक्यू या PPR मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपनी बात करते हैं रोग है ना वो शरीर के हिस्से के आधार पर किस प्रकार फैलता है। उसके बाद अपनी करते हैं रोग शरीर के हिस्से के आधार पर, शरीर के हिस्से के आधार पर किस प्रकार फैलता है, तो उसके बाद अपनी इसके अंदर बात करते हैं ये कितने प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का होता है। पहले अपनी बात कर सकते हैं स्थानीय, दूसरा बात करते हैं अपने सामान्य रोग। एक हो गया स्थानीय रोग और एक हो गया सामान्य रोग। स्थानीय रोग के अगर हम अपनी बात करते हैं तो शरीर है उसका अंग, शरीर के किसी अंग या सीमित क्षेत्र के अंदर, पशु है उसका शरीर है, उसके शरीर के किसी सीमित क्षेत्र, ये इतना सीमित क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर जो रोग होता है ना वो स्थानीय रोग कहलाता है, स्थानीय रोग कहलाता है। एक सीमित क्षेत्र के अंदर जो रोग होता है वो स्थानीय रोग कहलाता है। इसके अपने एग्जाम्पल लेते हैं तो कान का हेमेटोमा, कान का हेमेटोमा अपने एग्जाम्पल मान सकते हैं। उसके बाद अपने बात करते हैं सामान्य रोग। सामान्य रोग के अगर अपनी बात करते हैं, सामान्य रोग क्या होता है, वो रोग जो पशु शरीर के अधिकांश हिस्से को या अंगों को मतलब अपने प्रकोप में ले देता है। पशु है उसका अधिकांश हिस्सा, लगभग हिस्सा जो प्रकोप में आ जाता है वो क्या कहलाता है, सामान्य रोग कहलाता है। सामान्य रोग का अगर अपने एग्जाम्पल मानते हैं सेप्टिसीमिया मान सकते, उसके बाद अपनी बात करते हैं जैसे उसके बाद यहाँ
सामान्य रोग तक अपनी बात हो गई थी, उसके बाद अपनी बात करते हैं संक्रमण के स्तर के आधार पर अपनी बात करते हैं। संक्रमण के स्तर के आधार पर अपनी बात करते हैं तो दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक और द्वितीयक रोग दो प्रकार के होते हैं। प्राथमिक रोग क्या होते हैं, जो प्राणी के अंदर स्वतः ही रोग अपने उत्पन्न होते हैं या स्वतः ही अपने आप आ जाते हैं, वो रोग क्या कहलाते हैं, प्राथमिक रोग कहलाते हैं। इसका अपने एग्जांपल माने तो रेबीज मान सकते हैं, एचएस मान सकते हैं, रेबीज एचएस मान सकते हैं अपने एग्जाम्पल, या एफएमडी भी मान सकते हैं, इसे एग्जाम्पल एफएमडी भी मान सकते हैं इस एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद आता है द्वितीय रोग। द्वितीय रोग क्या होता है, ये रोग प्राथमिक रोग के साथ ही उत्पन्न हो जाते हैं, प्राथमिक रोग है ना उनके साथ ही उत्पन्न हो जाते हैं। द्वितीय रोग क्या कहलाते हैं, रोग कौन से होते हैं, जो प्राथमिक रोग उत्पन्न होता है ना उसके, जैसे एफएमडी है, एफएमडी या रेबीज जिसी को मानते हैं, उस वो रोग हो गया, उसके साथ ही रोग उत्पन्न हो जाते हैं, तो वो किसके अंदर आते हैं, द्वितीय सेकेंडरी संक्रमण के अंदर आते हैं। द्वितीय द्वितीयक सेकेंडरी रोग के अंदर आते हैं, द्वितीयक बैक्टीरियल सेकेंडरी रोग के अंदर आते हैं। ओके, जिसका एग्जांपल अपने मान सकते हैं, जो रोग प्राथमिक रोग के साथ ही उत्पन्न हो जाते हैं वो क्या होते हैं, द्वितीयक रोग कहलाते हैं, जो द्वितीयक बैक्टीरियल संक्रमण मान सकते हैं अपने एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद अपने बात करते हैं ये मतलब रोग के जो अपने प्रकार कर रहे थे वो कंप्लीट हो गए। उसके बाद अपने बात करते हैं अलग से जांच की बात करते हैं, शारीरिक की जांच की, नज़दीकी शारीरिक की जांच है वो नया टॉपिक है, नया टॉपिक बात करते हैं नज़दीकी शारीरिक की जांच। नज़दीक के शारीरिक की बात करते हैं तो उसके अंदर पहला आता है छूकर पता लगाना, पहला आता है छूकर पता लगाना, पहला अपने बात करते हैं छूकर पता लगाना। तो अपने छूकर कैसे पता लगाएंगे, उंगलियों द्वारा अपने किसी पशु है उसके शरीर को अपने छूकर पता लगाते हैं, कि कोई पशु है बीमार हो गया है, उसकी कंडीशन है उसका किस प्रकार, छूकर या मतलब उंगलियों से दबाकर अपने पता लगाते हैं वो किस प्रकार की आकृति या संगठन में है, अगर वो कठोर है, मुलायम है या गैस युक्त है, किस प्रकार से है, उसकी स्थिति को पता लगाते हैं, वो किस प्रकार लगाते हैं, छू कर पता लगाया जाता है वो, ठीक है। उसके बाद अपनी बात करते हैं दो नंबर पर बात करते हैं टक्कर क्या होती है भी शरीर अंगलियों या तोड़ों या अपने मतलब मुक्के जो भी है मुक्के हो गए तोड़ों द्वारा कि पशु सही है उसके किसी भी अंग के ऊपर अपने मार के देखते हैं, ऐसे मुक्के मारते हैं या थोड़ी सी किसी चीज़ से अपने मारते हैं, उसके अंदर जो आवाज़ उत्पन्न होती है ना हड्डियों के या किसी भी अंग के ऊपर अपने मारते हैं मुक्का मारते हैं उसके अंदर आवाज़ उत्पन्न होती है, उस आवाज़ को सुनकर जो जांच की जाती है वो क्या कहलाती है, टक्कर जांच कहलाती है। उसके बाद अपने बात करते हैं मुट्ठी तीन नंबर आया है मुट्ठी भी अंगलियों से जो मुट्ठी बनाई जाती है उस मुट्ठी के द्वारा जांच की जाती है, उसे अपने क्या कहते हैं, उस तरह से किसी से जब किसी पशु को आखिर आ जाता है तो अपने क्या करते हैं, ऐसे मुट्ठी से उसके दबा कर चेक करते हैं भी गैस युक्त है या कुछ है, जो भी प्रोटीन होती देखते हैं वो किसके अंदर आता है, मुट्ठी के अंदर आता है। उसके बाद अपने बात करते हैं परिश्रवण की बात करते हैं चार नंबर पर आता है परिश्रवण। परिश्रवण की अपनी बात करते हैं तो परिश्रवण क्या होता है, इसके अंदर शरीर के किसी
किसी भी अंग को, किसी भी शरीर, इसके अंदर शरीर के किसी भी अंग को के द्वारा उत्पन्न आवाज़ को सीधे सुनकर या सटाक से सुनकर, जो भी है स्टेनोग्राफी है, जो अपने कान है, जो भी शरीर है उसकी स्टेनोग्राफी, स्टेनोग्राफ होता है, स्कोप होता है, स्टेनोस्कोप होता है, उसके द्वारा अपने सुनते हैं कान लगाकर, जो अपने को आवाज़ सुनाई देती है इसके अंदर, उसको वो क्या जांच कर, वो जांच कराती है, परिश्रवण जांच कराती है, परिश्रवण जांच कराती है। उसके बाद क्या आता है, दम, या उसके अंदर पांच नंबर आता है दम, या इसे बोलते हैं शिक्षण, या इसे बोलते हैं शिक्षण या दम। इसके अंदर क्या होता है, किसी प्राणी है या पशु है उसके शरीर को हिलाकर, या उसको इधर उधर करके हिलाकर, या इधर उधर चला के उसको जो आवाज़ सुनी जाती है, यानी निष्कर्ष किया जाता है, वो किसके अंदर आता है, दम या शिक्षण के अंदर आता है। भी पशु को इधर उधर करके जो आवाज़ सुनाई देती है या उसको अपने देखते हैं, वो किसके अंदर आता है, शिक्षण के अंदर आता है। इसके अलावा कई जांच और होती है, उनकी अपनी बात करते हैं तो पहले अपनी बात करते हैं पैरासेप्टोसिमिया की बात करते हैं। पैरासेप्टोसिमिया की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या आता है, किसी भी पशु शरीर के अंग में उपस्थित फ्लूड होता है, किसी शरीर है उसके अंदर पशु है, उसकी जांच किसके अंदर पशु है, शरीर के अंदर किसी प्रकार से कोई फ्लूड भर गया है, उस फ्लूड के अंदर अपने क्या करते हैं, या तो सुई लगाकर चेक करते हैं, या ट्रोकार कैनुला होता है, ट्रोकार कैनुला उसको लगाकर अपने चेक करते हैं के अंदर उसके अंदर फ्लूड भरा हुआ है, तो वो जांच किस प्रकार की कहलाती है, पैरासेप्टिसिमिया के अंदर आती है, पैरासेप्टिसिमिया के अंदर आती है। उसके अंदर बात करते हैं अपने बायोप्सी, दो नंबर जांच आती है बायोप्सिस कहलाती है। बायोप्सिस के अंदर अपने बात करते हैं तो इसके अंदर जीवित पशुओं के शारीरिक अंगों या उत्कों को सूक्ष्म जांच की जाती है। पशु शरीर है उसके जीवित पशु है ना, उसके शरीर के अंदर अंगों या उत्कों की सूक्ष्म जांच की जाती है, वो क्या कहलाती है, बायोप्सी कहलाती है। उसके बाद अपने बात करते हैं तो रेडियोग्राफी। उसके बाद अपने बात करते हैं तो वो क्या कहलाती है, रेडियोग्राफी की अपने बात करते हैं तो रेडियोग्राफी के अंदर क्या होता है, इसमें शरीर का एक्सरे करके अपने कोई भी रोग है या कोई भी चीज़ है, या जैसे अपनी हड्डी है पशु की हड्डी टूट जाती है तो अपने को मतलब कन्फर्म नहीं होता है यहाँ से, तो अपने उसके शरीर की जांच कराते हैं, तो एक्सरे अपने करा के उसकी पता लगाते हैं ना भी कौन सी हड्डी है, कहाँ से कोई क्रैक हुआ है, वो क्या किसके अंदर आता है, रेडियोग्राफी के अंदर आता है। उसके बाद बात करते हैं अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी की बात करते हैं। अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी, उसके बाद अपनी बात करते हैं अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी क्या होता है, इसमें शरीर के अंगों, इसके अंदर पशु है ना उसे सारी अंगों में अल्ट्रासाउंड रे छोड़कर, किसी पशु शरीर है उसके अंदर है ना शरीर के अंदर अल्ट्रा एक्स रे किरणें होती है, उनको छोड़ के अपने पता लगाया जाता है भी किस प्रकार से क्या, या उसका मतलब क्या रोग हुआ है, उसका परीक्षण किया जाता है, वो क्या कहलाता है, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी कहलाता है। ठीक है, आज अपने इतने ही करेंगे दोस्तों, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमसे कोई गलती भी है तो माफ़ करें और लाइक करें। धन्यवाद।